हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह चर्चा करने जा रहे हैं आज यूरोप में पुनर्जागरण का स्वरूप क्या था। यूरोप में पुनर्जागरण का स्वरूप, जो पुनर्जागरण था इसका स्वरूप क्या था, पुनर्जागरण का स्वरूप हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुनर्जागरण का स्वरूप, पुनर्जागरण से तात्पर्य क्या है? पुनर्जागरण जो है एक नया स्वरूप लेकर आया। अब पुनर्जागरण का तात्पर्य तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो फिर भी मैं बता देता हूं कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात पुनः बौद्धिकता के रूप में, बौद्धिकतावाद के रूप में जागना ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का जो स्वरूप था यह कुछ एक पहलू का नहीं बल्कि विभिन्न पहलुओं का एक निचोड़ था। तो जैसे नए नए नवीन उद्भव क्षेत्र यहां पर दिखाई देते हैं स्वरूप में, तो पहला अगर इसकी विशेषता करें तो मानवतावाद दिखाई देती है। मानवतावाद पुनर्जागरण में का स्वरूप की अगर बात करें तो इसमें मानवतावाद इसका पहला स्वरूप था। पहली बार दैव तत्व से हम हट करके मानव की उपासना करने लगे, मानव को देवता के तुल्य समझा जाने लगा और मानव का जो स्वरूप था यह जो है अब स्वरूप बनने लगा किसका, पुनर्जागरण का। तो इसमें पहली इसकी इसका स्वरूप जो है वह मानवतावाद है। और दूसरा इसका है वह है बौद्धिकता, बौद्धिकता, बौद्धिकता इसमें दिखाई देती है। दूसरा इसका स्वरूप है बौद्धिकता। बौद्धिकता क्या है कि वास्तव में मनुष्य ही मनुष्य के लिए है, और इसमें कहा गया कि जब आप जानो तब इसको मानो। पहली बार इसकी कल्पना की, पहले क्या था, पहले मानो फिर जानो, लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया, पहले आप प्रयोग कर लो, जान लो और फिर उस बात को मानो। तो इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है बौद्धिकता। तीसरा है इसका धर्म निरपेक्षता, तीसरी इसकी इसका स्वरूप है धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है? यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ इसमें धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य था वह आडंबर और कुरूतियों से दूर होना, वह आडंबर और कुरूतियों से दूर होना, ये धर्म निरपेक्षता कहा गया, जिसमें न जात का कोई महत्व था न ही किसी धर्म का महत्व था, इसलिए इसको धर्म निरपेक्षता कही गई। इसकी यह बहुत दूसरे बहुत बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता है इसकी खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति, खोजी व जिज्ञासु प्रवृत्ति, ये इसकी जो है विशेषता है। खोजी वह जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या है? यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो इसके स्वरूप में देखा गया कि लोगों के अंदर खोज का जुनून आ गया, और लोगों के अंदर खोज के कारण ही वे क्या के विभिन्न देशों, जैसे आप देखिए 1498 में वास्को डिगामा भारत चला आया, कोलंबस 1495 में कोलंबस कहां जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। अब आप सोचिए कि विभिन्न देशों की यात्रा करने का एक नया स्वरूप इसमें देखने को मिलता है, इसी को खोजी प्रवृत्ति कहा गया। जिज्ञासु प्रवृत्ति थी कि लोगों के मन में जिज्ञासा होती थी, हम ऐसा करेंगे तो क्या इसका परिणाम होगा। कापरनिकस जैसे महान वैज्ञानिकों का जन्म इस काल में हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है इस काल में, पुनर्जागरण काल में। पांचवा है इसका सौंदर्य की उपासना, सौंदर्य की उपासना, सौंदर्य की उपासना, इसकी अगली प्रवृत्ति है सौंदर्य की उपासना। सौंदर्य क्या है? मोनालिसा, मोनालिसा कोई स्त्री रानी या महारानी या किसी परी की चर्चा नहीं है, बल्कि एक साधारण सी दिखने वाली मात्र एक स्त्री की मुस्कान है, जो आज भी विश्व की सबसे महंगी चित्रकारियों में से एक है। इसी को जो है कहा गया है मोनालिसा, मोनालिसा चित्रकारी। तो मानव सौंदर्य की
उपासना इस काल में देखने को मिलती है। यह सबसे बड़ी विशेषता रही है पुनर्जागरण के स्वरूप की। अगली अगर बात करें तो यहां पर पहली बार जो है एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वह है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा, आपने देखा होगा कि यूरोप प्राचीन काल में जितने भी विद्वान हुए, चाहे अरस्तु को देखा जाए, अरस्तु तो बहुत पहले के हैं, उसके बाद का आप देखिए मार्टिन लूथर को देखिए, दांते को देखिए, मास को देखिए, हीगल को देखिए, ऐसे ऐसे विद्वान इस काल में जन्म ले रहे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे कला हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, तीनों में अपनी जो है प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये जो है समय था जो पुनर्जागरण का, वह बहुमुखी प्रतिभा का भी समय कहा गया है। अगला जो है इसकी एक नई चेतना इसमें जागृत होती है, वह है इसकी सातवीं सबसे बड़ी विशेषता या स्वरूप कह सकते हैं, वह है आपकी मध्यवर्गीय चेतना। मध्यवर्गीय चेतना, आपको बता दें कि मध्यवर्गीय चेतना जो है यूरोपीय पुनर्जागरण के स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता। पहली बार मनुष्य जो है अपने आप को मनुष्य के लिए जीने की प्रवृत्ति ले आता है, और दूसरी इसमें ये दिखाया गया है कि कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता, बल्कि सभी क्या है, एक समान है, और मध्य वर्ग ही उच्च और निम्न दोनों वर्गों को संभाल कर चल रहा है। इस प्रकार की चेतना का विकास यूरोपीय पुनर्जागरण में देखने को मिलता है। अगर हम इसी समय बात करते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण कहां तक, अगर आपसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण से किस तरह प्रभावित था, तो आप अगर इसकी चर्चा करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रवृत्ति आई थी, ये प्रवृत्तियां कहां तक यूरोपीय भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप में स्वरूप को प्रभावित करती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे आप किसी भी पुनर्जागरण के होने का पहले कारण जानेंगे, कारण अगर बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण का कारण, भारतीय पुनर्जागरण का जो कारण था वह क्या था, तो आप ये समझ लीजिए, पहली बात तो यातायात का विकास हुआ, यातायात का विकास, पाश्चात्य प्रभाव भी दिखाई देता है, यातायात का विकास, छापा खाने का आविष्कार, और इसके बाद देश भक्ति और मध्यवर्गीय चेतना, समानता। जैसा आप देखे होंगे भारतीय पुनर्जागरण का कारण की अगर बात करें तो यातायात का विकास, जैसे अभी तक क्या था कि भारत में रेलवे का विकास नहीं हुआ था, यातायात के लिए सुसंगठित सड़कें नहीं थी, लेकिन मध्य 18वीं शताब्दी में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे भारत में यातायात के साधनों का विकास होने लगा, और मनुष्य जो है अब अपने यातायात के कारण क्या करता था, अपने ज्ञान को दूसरे जगह आसानी से पहुंचा सकता था। इसी के लिए भारतीय पुनर्जागरण का विकास होने में महत्वपूर्ण कारण बना यातायात का विकास। पाश्चात्य प्रभाव भी इसका कारण बना, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पुनर्जागरण मध्य 18वीं शताब्दी में हुआ था, और आप उस समय देखेंगे कि जो जितने भी विदेशी थे, चाहे ईसाई मशीनरी रही हो, चाहे इस्लाम का बोलबाला रहा हो, और चाहे तुर्कों के प्रभाव रहे हो, इन सभी का असर भारतीय समाज पर पड़ने लगा, और भारतीय समाज में जब इनका असर पड़ा तो ये सभी जो है अपने देश के प्रति जिज्ञासु हुए और चैतन्य हुए, और यही कारण है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे महापुरुषों का
उद्भव इसी काल में हुआ। छापे खाने का आविष्कार भी भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का कारण बना, क्योंकि छापे खाने का आविष्कार होने से पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। स्वयं राजा राम मोहन राय ने बंगाल गजट जैसी एक प्रखर युग की प्रखर पत्रिका के रूप में उसका विकास किया, पत्र का विकास किया, जिसके कारण यहां पर जो है एक नया आविष्कार देखने को मिला। अंग्रेजों की देशभक्ति को देखकर भारतीयों के मन में भी देशभक्ति का उद्भव हुआ और ये भी अपने देश के लिए मर मिटने के लिए जागृत हुए, जिसके कारण यहां पर क्या हुआ, समानता का भाव जागृत होने लगा। मध्यवर्गीय चेतना की अगर बात करें तो पहली बार भारतीय जो है छोटे छोटे विचारधाराओं और अन्य प्रभावों से मुक्त होने लगे। अब भारत में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई अंग्रेजों की देखरेख में, और यह अंग्रेजों की जो केंद्रीय सत्ता थी यह निश्चित रूप से पुनर्जागरण को प्रेरित कर रही थी और यही पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। अगर समानता की बात करें तो पहली बार राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती ने पहली बार हम कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों को ही क्या देना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और जब स्त्री शिक्षित होगी तो बच्चा शिक्षित होगा और बच्चा शिक्षित होगा तो समाज अपने आप विकसित होगा। क्योंकि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने यह अपनी पुस्तक में दास कैपिटल में इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बालक अंधेरे घर में पैदा हुआ हो और अशिक्षित मां द्वारा पाला गया हो उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहली बार इस तरह की चर्चा करने वाले व्यक्ति पहली बार भारतीय समाज में आए और इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है पुनर्जागरण भारत में जन्म लेता है और यही पुनर्जागरण धीरे धीरे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करता है जो अंग्रेजों से लोहा ले सकता है। और यही कारण रहा कि भारतीय पुनर्जागरण जो है एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न किया कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति दब जाने के बाद भारत में एक ऐसी समान रूप से स्वतंत्रता की क्रांति चलती रही जो दबे दबे रहते रहते एक दिन 1947 में भारत को आजादी का के मुहिम तक पहुंचा देती है। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय हो चाहे दयानंद सरस्वती हो इन्हें अग्रदूत की श्रेणी में लाकर रख दिया गया। इसी यही कारण है कि राजा राम मोहन राय की सूझबूझ और चेतना के कारण ही इनको जो है पहली बार जो है भारत का अग्रदूत कहा गया, इन्हें भारत में नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और ये सभी परिणाम किसके कारण आए थे, इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से ये परिणाम आपको देखने को मिला। तो आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण एक ऐसी संपत्ति है जो यूरोपीय पुनर्जागरण से पूर्णतः प्रभावित है और यह अपने उसके साथ ही साथ नवीन दृष्टिकोण को भी अपने साथ लाता है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे भारत में पुनर्जागरण का प्रभाव कैसे हुआ या कैसे देशभक्ति के रूप में बदलता है। तो हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट को इसमें देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे कार्य जो है राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।